अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 7 विच इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की दो पोर्शन हैं इस चैप्टर के। मैट्रिसेस अलग हैं, डिटरमिनेंट्स अलग हैं। मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तो मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स की प्लूरल आपकी फॉर्म मैट्रिसेस होती है। मैट्रिक्स क्या है उसको हम अब डिटेल में समझने जा रहे हैं। मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स करना क्यों है या उसको पढ़ना क्यों है। इससे पहले जो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें इक्वेशन सॉल्यूशन आपने सीखा। इक्वेशन सॉल्यूशन आपने दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अगर वही दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है किसी और मेथड से वो मैट्रिक्स मेथड होता है। मैट्रिक्स से आप मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हैं। अब आप लोग तो लिमिटेड है दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने के लिए। आगे थोड़ा सा और डिटेल में सिखा दूं, तीन इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब चार इक्वेशन आएंगी, पांच इक्वेशन आएंगी, तो उनको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उनको सॉल्व करना बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दो तक तो बहुत आराम से आप कर लेते हैं, लेकिन तीन इक्वेशन थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग होता है, चार इक्वेशन तो और ज्यादा हो जाता है। तो चार इक्वेशन को आप जितने देर में उस तरीके से जैसे दो या तीन को करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व वैसे करेंगे तो आपको अच्छा खासा वक्त लगेगा। तो नेक्स्ट आपके पास मैट्रिसेस मैट्रिक्स मेथड होता है। अगर इस तरीके से आप करेंगे अपनी चार इक्वेशन को सॉल्व तो आधे से भी कम वक्त में वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपको आसानी होती है कि कंप्यूटर के अंदर भी सॉल्व हो जाता है। आप कंप्यूटर को इस तरीके से बना के देते हैं अपनी इक्वेशन, वो खुद ब खुद आंसर निकाल देगा, इक्वेशन में भी निकाल सकता है। लेकिन अलग मेथड है, इसलिए आपको एक अलग नया मेथड सिखाया जा रहा है। अब यहां पर ये मेथड मैट्रिसेस भी इस्तेमाल इसीलिए किए जाते हैं ताकि इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इक्वेशन सॉल्यूशन टेक्निक ही है मैट्रिसेस भी। मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? अगर कोई भी आपकी वैल्यू इस तरीके से स्क्वायर या लार्ज ब्रैकेट के फॉर्म में लिखी हुई है और उसके अंदर कोई ना कोई नंबर्स या एलिमेंट्स कोई भी हो, एलिमेंट बोलूं या नंबर बोलूं सब एक ही है, कोई भी वेरिएबल हो या कुछ भी हो, अंदर आपके पास एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं और अलग अलग आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि आपकी रॉ जिस तरीके से एरो डाला हुआ है ये पूरी रॉ है। इस मैट्रिक्स के तीन रॉज हैं और तीन कॉलम हैं। तो इसी तरीके से इस मैट्रिक्स के दो रॉज और दो कॉलम हैं। जब भी आप अपने किसी भी इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को अरेंज करके देते हैं और उसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट लगे हुए हैं और अंदर उसमें नंबर और एलिमेंट्स जो भी हैं वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं इस तरह से, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें दो रॉज और दो कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक और नई टर्म आपको यहां पर सीखनी है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि रॉज इंटू कॉलम्स क्या वैल्यू आएगी। तो रॉज इंटू कॉलम आपके पास यहाँ 2 × 2 है, आपको सॉल्व करके नहीं बताना कि आंसर 4 आता है। 2 × 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जब भी आपसे बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताएं तो वो 2 × 2 होगा। अब ये वाला आपके पास अगर मैट्रिक्स आ रहा है तो इसमें नजर आ रहा है कि तीन रॉज और तीन कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3। सिमिलरली एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। आपके पास यहाँ पर तीन रॉज तो नजर आ रही है लेकिन कॉलम दो है, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके के मैट्रिक्स में ऑर्डर 3 × 2 होगा, 2 × 3 नहीं है इसका। ऑल्दो 2 × 3 आप दूसरा बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल दी है दो रॉज और तीन कॉलम है तो ये 2 × 3 का, लेकिन यहां पर रॉज इंटू कॉलम ऑर्डर कहलाता है, कॉलम इंटू रॉज ऑर्डर नहीं होता। रॉज इंटू कॉलम जब आप करेंगे वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 3 × 2 हो गया। जितने भी इस तरह के मैट्रिसेस हैं वो जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है उसको आप इंक्लूड करेंगे मैट्रिसेस के अंदर। अब मैट्रिक्स की टाइप है, जितने भी मैट्रिसेस हैं उनको हमने मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहली टाइप आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से कि ऑर्डर जिसका एक नहीं होता एक जैसा, यानी नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे आप कहेंगे कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन जहां पर आपके पास नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पर आप कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ रहा हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रॉज अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ दे दी, जैसे आपके यहाँ पर दो रॉज और तीन कॉलम है, इधर तीन रॉज और दो कॉलम है, तो ये आपके दोनों जो एग्जाम्पल दी है ये दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके यहाँ पर दो रॉस और दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2x2 है। ऑर्डर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं 2x2 ब्रैकेट में लिख के। सिमिलरली एक और आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें 3 रॉस और 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर इसका 3x3 है। तो ये दोनों जो मैंने टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की है, दोनों टाइप्स आपकी कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉस आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी आपके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तो उसको आप कहेंगे कि ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अब मजीद स्क्वायर मैट्रिक्स की भी हमने फर्दर सब कैटेगरीज फर्दर टाइप्स डिवाइड कर दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और किस तरह से लिखा जा सकता है। एक तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। जैसे पहली टाइप आपके पास जीरो या नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का मतलब अंदर वैल्यू सब में सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अब 2x2 है या 3x3 है, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अगर 2x2 है तो जीरो के नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा 2 लिखेंगे, अगर 3x3 का है तो जीरो के नीचे 3 लिखेंगे। तो आपके पास जीरो या O2 और O3 इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अगर कभी कहीं आती है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे O3 का मतलब 3x3 का नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी दोनों एक ही नाम है, जहां पर भी आपके पास इस तरह से आएगा तो आपका डायगनल, ये डायगनल है ठीक है। अगर आप किसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं तो उसका डायगनल आता है, ये डायगनल है। डायगनल में आपके पास सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए और बाकी सारे आपके जितने भी नंबर्स हैं वो 0 होने चाहिए। जैसे ऊपर आपका ये नल मैट्रिक्स है, अगर इस नल मैट्रिक्स में जहां पर ये डायगनल में 0 है इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूं, बाकी सब जगह 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर 2 रॉज और 2 कॉलम है तो इसको I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I2 का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये आपका 3x3 है तो इसमें आपके पास I3 से रिप्रेजेंट होगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जब भी होगी एग्जाम में, अगर कहीं पे आता है कि I3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जगह मैट्रिक्स दिया जाता है पाया जाता है बराबर है I3 के, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने I3 को इस फॉर्म में ओपन करना है, यानी कि आपके पास ये मैट्रिक्स दिया नहीं होगा, आपको खुद लिखना है इस I3 की जगह। तो इस तरह आपके पास अगर कभी आता है O3 या O2 तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वहां पर उसकी जगह कौन सा मैट्रिक्स ओपन होगा। तो ये आपके पास दो टाइप्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसको जल्दी से नोट करें, फिर और फर्दर टाइप्स में डिस्कस कर रहा हूं। अब अपने रिमेनिंग 2 और टाइप्स देख लें स्क्वायर मैट्रिक्स की। आपके पास थर्ड टाइप होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपका जिस तरह से पीछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ा उसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर जहां पे भी 1 था वहां पर आपके पास कोई और नंबर अगर आ जाता है, लेकिन शर्त ये कि ये जो डायगनल है ये आपके पास सेम रहना चाहिए। आपके पास यहाँ पर डायगनल ये जो आपकी वैल्यू है, जैसे 5 है तो तीनों जगह 5 हो, 2 है तो दोनों जगह 2 हो, या अगर कोई और नंबर है, लेट सपोज -10 है, तो सारी जगह डायगनल में -10 हो और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो। अगर इस तरह से कोई आपके पास मैट्रिक्स आता है तो आपको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना होना आसानी होनी चाहिए कि आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये चीजें ज्यादातर MCQs में पूछी जाती है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह कोई मैट्रिक्स गिवन है और वहां पर तीनों नंबर्स एक जैसे हैं तो आपका ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर और डायगनल मैट्रिक्स दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन मामूली सा फर्क ये है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई कि नंबर सेम होने चाहिए। सिर्फ डायगनल में अगर वैल्यू है नॉन जीरो की, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं और ये डायगनल में आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आपका डायगनल मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पर 2 था, इधर मैंने -1 कर दिया, नंबर डिफरेंट हो गए, वैल्यू चेंज हो गई, बाकी जगह जीरो ही है, लेकिन अब ये स्केलर की बजाय डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल -3, 2 और 5 रख दिया, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, बाकी सब आपके जीरो हैं। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई मैट्रिक्स आता है तो उसे आप इंक्लूड करेंगे अपने डायगनल मैट्रिक्स में, और यही तरीका है आपके आइडेंटिफाई करने का जितने भी है स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आएंगे। तो ये सिंपल से आपके पास इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का। यहां तक जितना भी काम मैंने डिस्कस किया ये बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप इसको कह लें। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे,
पीछे सारी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज यही होगी हर जगह पे। आज आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों का जितना भी काम पिछला था वो हमने डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए थे मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब मैट्रिसेस आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है, किस कैटेगरी में आता है, कौन सा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा आपका रेक्टेंगुलर है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स वगैरह, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ये भी बताया था नल मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी फर्दर कैटेगरीज। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपका अगर कोई दो मैट्रिक्स एड करने को कहा जाए या सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो वो कैसे करेंगे। जाहिर है हम क्वेश्चन के साथ में सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ लॉजिक भी समझ रहे हैं। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है और जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कहा है कि ए प्लस सी, आप बताएं क्या होगा। दो मैट्रिक्स दे दिए, दो मैट्रिसेस हैं, उनका एडिशन आपसे बोला है कि बताएं क्या होगा। अब अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपको करना है तो लाजमी है कि दोनों या तो रेक्टेंगुलर हो या दोनों आप लोगों के स्क्वायर हो। तो अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों रेक्टेंगुलर हैं तो ऐड हो जाएंगे। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आपके पास जिस तरीके से ए और सी दोनों एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे हैं, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में, यहां पर आपके पास ये सवाल इस तरीके से गिवन है, ये ए है और ये सी किताब के अंदर गिवन है। अब अगर एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स सी ऐड करना है तो दोनों को ऐड करने के लिए तरीकेकार ये होता है कि जो आपका एलिमेंट जहां है और दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट वही उसी जगह पर है, वो दोनों आपस में ऐड होंगे। यानी कि यहाँ 1 है और उसी सेम पोजीशन पे यहाँ पर 2 है, तो 1 प्लस 2 होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। इधर 2 है और यहाँ 1 है तो 2 प्लस 1, यहाँ 3 है और इसी सेम पोजिशन पे दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास 0 है तो 3 प्लस 0, इधर 5 है और यहाँ दूसरे में 3 है तो 5 प्लस 3, सिमिलरली 7 प्लस 5 और 8 प्लस 2। जहां पर जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है वो एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे और उनको ही ऐड करवाएंगे, इसके अलावा कोई और किसी और पोजीशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। तो आगे सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका 3, ये भी 3 होता है, ये 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 3 8, सिमिलरली 12 एंड 10, ये आपका मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो गए। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपसे सवाल में कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि मुझे एडिशन करके बताएं दो मैट्रिसेस हैं। अब आपके पास और भी किताब में बी और डी मैट्रिसेस गिवन है, दो इनको आपने ऐड करना है, तो दोनों क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो जाहिर है बी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे। डी बल्कि ये स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ही यहाँ पर गिवन है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यानी आपके एडिशन के लिए अगर मैं कहूं कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर, का मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। अब रेक्टेंगुलर ये भी है लेकिन बी और डी जो सवाल किताब में गिवन है उसके अंदर वैल्यूज आपकी डिफरेंट है, उसमें जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो डिफरेंट है। तो अगर एक फॉर एग्जाम्पल रॉज इसमें 3 है, कॉलम 2 है, तो आपके पास 3/2 है, तो दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 होना चाहिए। जैसे बी के अंदर ऑर्डर 2/3 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2/3 का होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स गिवन है, उसमें भी यही मजीद कहा है कि आपने इनको सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप खुद कर लेंगे। सेकंड तो इटसेल्फ 5A है तो यहाँ पर वो इटसेल्फ आपका इंक्लूड हो गया। अब थर्ड पार्ट में आपसे कहा है 5A+B, तरीकेकार पहला समझा दिया, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको जिस तरह यहाँ पर करवाया वैसे ही इधर भी आपने क्वेश्चन उतारना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद से मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। 5A+B बराबर है 5, अब यहाँ पर A की जगह मैट्रिक्स A की वैल्यू, प्लस मेरे पास जगह खत्म हो गई, अगर कभी आपके पास भी खत्म हो जाए तो दूसरी तरफ आपने नीचे लाइन में वही सेम सिंबल प्लस और अगला जो मैट्रिक्स है वो लिख देना है। तो 5A+B, तो आपके पास यही चीज लेफ्ट साइड पे कहा थी, ये मालूम करें। अब आपको पहले जाहिर है 5 × A करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल बोर्ड मास यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है वो ये कहता है कि जो यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो अंदर जाके मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 × 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 0 से भी होगा। तो आपने वही किया, 5 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन अपनी जगह और बी मैट्रिक्स अपनी जगह, फिर आपने यहाँ पे
जाहिर है मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10, इसी तरीके से 15, ये 5 और ये 5 × 2 = 0, 0 ही होगा, प्लस मैट्रिक्स बी वो अपनी जगह। फिर एडिशन अभी मैंने समझाया, 10 इस 4 के साथ ऐड होगा, 5 इस -1 के साथ ऐड होगा, 15 इस 2 के साथ ऐड होगा और 0 इस 5 के साथ ऐड होगा। आपने मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखनी है कि पता हो कि कौन सा एलिमेंट किस रॉ पे और किस कॉलम में आ रहा है, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर बीच में गैप्स होने चाहिए ताकि पता हो कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। सिंपल, ये आपके पास 14, ये आपके पास 17, इसी तरीके से आपके पास ये 5 - 1 है। मैंने एक स्टेप यहाँ पर जाहिर है वो नहीं करेंगे, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप अन्ना इसको 5 - 1 लिखते, तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया 4 और 0 + 5 = 5। ये आपसे सवाल में कहा था कि 5A + B मैट्रिक्स बताएं क्या होगा, तो आपने सिंपली इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ये सॉल्यूशन टेक्निक है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है तो अंदर तमाम एलिमेंट्स है वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो एलिमेंट जिस नंबर पे है उसी नंबर, उसी रॉ, उसी कॉलम में दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये तो हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स पे आ जाए। पार्ट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वो आपने घर पे होमवर्क पे ट्राई करना है और कॉन्सेप्ट जो समझाया वैसे ही काम करना है। आपके पास B - A पहले मैट्रिक्स निकाला जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको कहा है कि बी और ए दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, B - A निकालें। तो 3, अब कर्ली ब्रैकेट में एक आपका मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी है ये, माइनस मैट्रिक्स ए, क्योंकि B - A आपसे कहा था, सवाल आपको ये गिवन होगा, आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने जाहिर है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 और 5 - 0, यही सारी वैल्यू यहां पर इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दी। जैसे ऐड कर रहा है वैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वही सब्ट्रैक्शन का सेम है, जाहिर है वहां एडिशन हो रही है, वहां पे ऐड हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वैल्यू कम हो रही है। तो 4 - 2 - 2 - 3 - 1 - 1 और - 1 - 2 - 5 - 0 - 5। अब ये मैट्रिक्स आ गया B - A की वैल्यू, ये जो ब्रैकेट में आपकी गिवन है 3, अभी आपने बाहर मल्टीप्लाई करवाना है जो बाहर गिवन है, आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अंदर जाके तमाम वैल्यूज, तमाम एलिमेंट्स, ये जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज हैं ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स, तो तमाम एलिमेंट्स के पास जाके ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 इससे, इधर -2 से भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इस -1 से भी और 5 से भी, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास 6, ये -3, ये आपके पास -6 और ये 15। जब आप यहाँ पर इस तरीके से फाइनल आंसर इसको कहेंगे कि सवाल में आपसे कहा था 3 times of B - A निकालें, और आपने इस मेथड, इस प्रोसीजर से सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये चारों ही पार्ट है, आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि जो मैट्रिसेस यहाँ पर गिवन है A, B, C और D, इन चारों का आप ट्रांसपोज बताएं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको एक कॉन्सेप्ट आज सिखाना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कहते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आपसे कहा जाए कि ट्रांसपोज निकाल के दें, तो इसका मतलब होता है जो उसकी रॉज है वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगे। ये आपकी जो रॉ है 2 और 7, ये एलिमेंट अब ट्रांसपोज करने के बाद कॉलम में कन्वर्ट हो गए। तो मेरे पास 2 और 7 एक रॉ थी, अब ये 2 और 7 एक कॉलम बन गया। सिमिलरली दूसरी रॉ आपके पास 3 और 5 थी, अब ये दूसरी रॉ आपका दूसरा कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसकी रॉस को कन्वर्ट कर दें कॉलम में। अब अगर इस तरीके से आपके पास सवाल आता है, रॉ आपकी 2 और 7 थी, अब ये कॉलम में 2 और 7 वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरी रॉ 3 और 5 थी, अब दूसरा कॉलम 3 और 5 का बन गया। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी मैट्रिक्स के ऊपर लिखा जाए ट्रांसपोज, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, ऊपर टी छोटा सा लिखते हैं और वो हटाने के लिए यानी ट्रांसपोज अप्लाई करने के लिए जितने भी रॉज हैं वो उतने कॉलम बन जाएंगे। तो जैसे बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास यहाँ 2 रॉज हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक ये रॉ है, दूसरी आपके पास ये रॉ है। अब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे। अभी यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद अब 2 कॉलम बन जाएंगे। कैसे? 4, 2, 7, ये एक कॉलम के एलिमेंट्स है, 4, 2, 7 अब ये एक कॉलम के एलिमेंट्स हो गए। ये आपके पास एक रॉ के एलिमेंट्स थे, अब ये एक कॉलम के एलिमेंट्स बन गए। सिमिलरली दूसरी रॉ पे 3, 1 और -2 ये एलिमेंट्स हैं,
ट्रांसपोज अप्लाई किया तो 3 1 -2 दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स बन गए। तो आपके पास बी ट्रांसपोज इस तरीके से हमने लिया। नेक्स्ट आपके पास सी ट्रांसपोज है, आपने यहां पर जो मैट्रिक्स सी गिवन है इसके ऊपर ट्रांसपोज लिया। तो यहां आपको नजर आ रहा है 3 रॉज हैं, पहली रॉ 6 2 की, अब वो कॉलम बन गया 6 2 का, दूसरी रॉ 3 1 ये कॉलम बन गया 3 1 का, और तीसरी 4 5 ये कॉलम बन गया 4 और 5। तो इस तरीके से आप हमेशा अपना ट्रांसपोज लेते हैं, और ये आपके पास सी थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट आपके पास यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, फोर्थ पार्ट आप लोगों ने यहाँ जो सवाल गिवन है इसको खुद करना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 रॉज 3 कॉलम ही है, ये जो 3 रॉज हैं ये आपके अब 3 कॉलम बन जाएंगे। तो ये जिस तरह से अभी ये 3 पार्ट हमने किए, फोर्थ पार्ट भी आपने उसी तरीके से करना, ये आपका होमवर्क है। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, तो इस एक्सप्रेशन को आपने वेरीफाई करना है, और बी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर गिवन है, तो ए और बी मैट्रिसेस आपको यहाँ पर गिवन है, इसका आपने ट्रांसपोज इनके अलग अलग और इनके एडिशन के बाद ट्रांसपोज लेना है और बताना है कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आती है या नहीं आती। तो मेरे पास यहाँ पर प्रूफ की एडिंग डलेगी, जब भी सवाल में आपके पास बोला जाए शो दैट या प्रूफ करें, और या फिर आपके पास बोला जाए जिस तरह यहाँ पर वेरीफाई करें, तो हमेशा आप हेडिंग डालते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करेंगे, हेडिंग प्रूफ की डालेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की जगह मैंने वैल्यूज उनके मैट्रिसेस लिख दिए, ट्रांसपोज बाहर ब्रैकेट के भी लिखा हुआ है। अब इनको ऐड करना है क्योंकि ए प्लस बी एडिशन है, एडिशन अभी हमने सीखा, 3 और 2 आपस में ऐड होंगे, ये 2 और 7 आपस में, 1 और 3 और -5 और 8 आपस में ऐड होंगे, ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपके पास 3 + 2 = 5, 1 + 3 = 4, 2 + 7 = 9 और -5 + 8 = 3। इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज अपनी बार चलता आ रहा है, ब्रैकेट हटाएंगे तो मैट्रिक्स के ऊपर आपको ट्रांसपोज लगाना है। आपने अभी सीखा ट्रांसपोज कैसे लगाते हैं, आपकी ये जो रॉ है ये कॉलम बन जाएगी, तो 5 9 ये पहली रॉ थी, अब ये पहला कॉलम बन गया, सिमिलरली 4 3 ये आपके पास इधर दूसरा कॉलम बन गया। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई आपने इसको इक्वेशन 1 का, और कहा ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी इसके बराबर है, दूसरा आप स्टेप करेंगे टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सवाल में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज गिवन था, तो राइट हैंड साइड ये गिवन है, ए और बी की जगह उनके मैट्रिक्स आप ओपन कर लें, तो ए की जगह आपने ए मैट्रिक्स लिखा, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखा। अब यहाँ ट्रांसपोज इन दोनों के ऊपर अलग अलग है, जाहिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है, तो ए के ऊपर ट्रांसपोज पहले आपने लिया, तो 3 2 आपकी पहली रॉ थी, अब पहला कॉलम 3 2 का बन गया, तो रॉ सारी चेंज हो गई कॉलम में, तो सिमिलरली बी में भी आपके पास ये रॉ 2 7 अब ये कॉलम बन गया 2 7 का, तो रॉज आपकी कन्वर्ट हो गई कॉलम में, ट्रांसपोज अप्लाई हो गया। अब जब ट्रांसपोज अप्लाई हो गया तो आप एडिशन कर लें सिंपल, 3 ऐड होगा इस 2 में, 1 + 3, 2 + 7 - 5 + 8, उसी तरीके से एंड में आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 2 = 5, 2 + 7 = 9, आपका 1 + 3 = 4 और 5 - 5 + 8 = 3, ये आपके पास जो वैल्यू आ गई ये इसको आप कहेंगे कि ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप कंपेयर करवाएं तो दोनों राइट, ये जो इस दोनों की राइट साइड है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सेम आ रही है, तो आपके पास ये मैट्रिसेस दोनों सेम है, इस वजह से आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जगह नहीं थी तो मैंने शॉर्ट नोटेशन लिखी, आपने ये पूरा लिखना है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, दैट इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज होल प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हाईलाइट करके आप कहेंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि सवाल में आपसे यही वेरीफाई करने को कहा था। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशंस की है, इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़े उसके अंदर इक्वेशन सीखी, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, मेथड है, वो आपका मैट्रिसेस है। तो x, y आपके ये दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन में क्या होते थे, वेरिएबल होते थे, इक्वल टू आपके यहाँ कांस्टेंट हैं, ये आपके कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट इधर है वो बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के, बीच में इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू बराबर है 5 के, यानी एक्स की जगह में 5 अगर पुट कर दूं तो 5 = 5 हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये बोला गया एक्स बराबर है 6 के, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, दूसरा आपका वाई बराबर है 3 के, तो ये भी डायरेक्ट आंसर आ गया,
तो पहला आपका ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये तो बहुत आराम से आपने देख लिया कि आपको मैट्रिसेस दो गिवन है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, तो एक्स बराबर हो गया 6 के, वाई बराबर हो गया 3 के, डायरेक्ट पता चल गया। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में भी यही बात कही है आपसे, कहा है कि एक्स का आंसर बताएं, यहाँ वाई नहीं है सिर्फ एक्स बताना है। तो यहां पर आप देखें, इधर अगर 3 है लेफ्ट साइड तो राइट साइड में भी 3 है, इधर 7 तो इधर भी 7, यहां पर 2 इधर भी 2, इधर 1 और 0 इधर भी 1 और 0 ही है, लेकिन यहां पर x माइनस 5 है और इधर 4 है, तो इसका मतलब ये कि x माइनस 5 बराबर है 4 के। तो आप कहेंगे हेयर x माइनस 5 इक्वल टू 4, याद रहे मैं सोल्यूशन के बाद सारा काम करवा रहा हूं, उससे पहले आपको मैंने तरीका समझाया हुआ है, हेडिंग वगैरह डाल के आपने खुद काम करना है। तो x माइनस 5 बराबर है 4 के, आपने कहा 5 दूसरी साइड पे भेजें, 4 प्लस 5 यानी कि x इक्वल टू 9, ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे क्या है, x और y दोनों बताएं क्या होगा। तो x y आपको निकालने के लिए यहां पर दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों आपस में क्या है कि बराबर है, यहां पर 4 है इधर भी 4 है, इधर 6 है इधर भी 6 है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वही राइट साइड पे भी वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब ये कि x माइनस 3 बराबर होगा 2 के, आप कहेंगे हेयर x माइनस 3 बराबर है 2 के, 3 उधर भेजें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी x इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा y बराबर है y प्लस 1 के, तो आपने कहा ये आपका 2 बराबर है y प्लस 1 के, 1 उधर भेजेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 1, इस तरीके से आपने लिख के फाइनल अपना आंसर लिख दिया। आपसे कहा था x और y का आंसर बताएं, आपने निकाल के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहां पर आप देख रहे हैं 2 7, इधर भी 2 और 7 सेम है, यहां पर वैल्यू डिफरेंट है क्योंकि आपको यहां पर वेरिएबल दे दिए। आपने कहा कि आपके पास हेयर x प्लस y बराबर है 4 के और 3 बराबर है x के, तो पहले मैंने लिखा x बराबर है 3 के क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ गया x का, एंड x प्लस y बराबर है 4 के। अब मैंने साइड में हवाला दिया कि क्योंकि सिंस x प्लस 3 बराबर x इक्वल टू 3 था, तो आपने x की जगह 3 पुट किया, आपने हवाला दिया सिंस x इक्वल टू 3 पुट किया x की जगह, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 उधर शिफ्ट करें 4 माइनस 3 यानी y इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर सिंपल x और y आपको निकालना था और इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आप लोगों के पास आज क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद जितने भी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका मैट्रिसेस सिर्फ इस चैप्टर की बात करूं तो बहुत छोटा सा है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं, जैसे कि आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, आपको क्रैमर्स मेथड के थ्रू अपनी वैल्यूज निकालनी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मेथड के थ्रू निकालना है, या इसके अलावा आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रैक्टिस के लिए किताब में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन गिवन है। जाहिर है मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, बाकी आपने खुद काम करना है, किताब को खुद पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके ये जितने भी आगे करवा रहे हैं पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं, तो मेरे पास x, y और z की वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डलेगी, अंडरलाइन करना है उसको ब्लैक से, और फिर उसके बाद यहां से आपको जो मैं करवा रहा हूँ ये आपका एज इट इज सॉल्यूशन होगा। एग्जाम में जाहिर है आप लोगों को क्वेश्चन लिखना नहीं होता, आप क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस डालते हैं, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग डाल के फिर आप काम करते हैं, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पर काम करवा रहा हूँ। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, इसको एज इट इज क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे। अब कहेंगे हेयर जो आपके पास एक्स है, हमेशा याद रखेंगे जो आपके पास वैल्यू होती है, जो एलिमेंट यहां पर है वो वैल्यू इस एलिमेंट के बराबर होगी अगर बीच में इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब ये कि एक्स बराबर होगा 2 माइनस एक्स के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस एक्स को उधर भेज दें, आपके पास एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 यानी 2x इज इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, आपके पास कैंसिल आउट होंगे, आप उसमें एक्स के सेम टेबल में आते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई। ऑल्सो आपके पास ये जो y है ये इधर एलिमेंट जो पड़ा है वो इस एलिमेंट के बराबर होगा, यानी y बराबर होगा 2y माइनस 1 के। रीअरेंज करें 1 विल बी इक्वल टू 2y माइनस y और y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर z बराबर होगा 6 प्लस 4z के, आप z को और 6 को आगे पीछे अरेंज करें, ये z इधर आके माइनस और ये इधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 बराबर होगा 4z माइनस z यानी के इक्वल टू 3z। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा, माइनस 6 अपॉन 3 एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास माइनस 2 आंसर आ जाएगा z का। तो सिंपली आपने इस तरीके से अपने x, y और z की वैल्यू निकालनी है अपने इस क्वेश्चन नंबर 9 में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको कहा है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज आपको निकालना है। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे इसके नहीं करवाए 9 से 15 तक बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, वही सारे क्वेश्चन बना के आपको दे दिए गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो खुद कोशिश करनी है। किताब में सोल्यूशन आपके पास सारा मौजूद है। इस लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब आपके पास 15 में क्या है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज निकाले, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज में पहले बी ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रॉज जितनी भी हैं, अब वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे, यानी कि जितने भी रॉज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स के अंदर। तो मेरे पास ए और बी मैट्रिसेस ये गिवन है, बी के ऊपर ट्रांसपोज आप बी इसी तरीके से ब्रैकेट के बाहर टी लिखेंगे, इसका मतलब ट्रांसपोज अभी आपने लेना है। अगले स्टेप में ए तो एज इट इज आएगा, लेकिन बी के ऊपर आपका जो ट्रांसपोज है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपकी जो रॉ थी 10, 4 और -8, अब ये पहला कॉलम बन गया 10, 4 और -8। तो जितनी भी रॉज हैं अब वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। आपके पास ए तो एज इट इज, लेकिन बी ट्रांसपोज चेंज हो गया। अब आपको पता है जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। 2x2 का मैट्रिक्स है तो वो 2x2 के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, 3x3 है 3x3 के साथ। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, 2x3 या 3x2 है तब भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब मेरे पास 7 ऐड होगा 10 में, इसी तरीके से 4 ऐड होगा 4 में, 6 ऐड होगा -8 में। तो इस तरीके सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं 6+6, -3+5, 10+20, यहाँ सारा उसी तरीके से लिखा है। और आपका इसी तरीके से 5+4, 8+7 और 4+15 यहाँ पर एज इट इज आ गया। आपके ये सारे एलिमेंट जो जहां पर जिस नंबर जिस पोजीशन पे मौजूद है वो दूसरे एलिमेंट के साथ उसी पोजीशन के साथ ऐड होगा। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा। इसको आप कहेंगे कि ये आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स आ गया। ये ए भी नहीं है, ये बी भी नहीं है, ये इनका सम भी नहीं है, ए प्लस बी ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज अलग मैट्रिक्स होता है और बी मैट्रिक्स अलग है। तो एंड में आप इसको हाईलाइट अगर कर सकते हैं हाईलाइट करते हैं, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं। ए का फर्स्ट पार्ट गैर पास्ट पेपर नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे। तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू n, m का मतलब रॉज, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का, कि आपके पास रॉज इंटू कॉलम ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। अगर एक मैट्रिक्स है उसकी m रॉज और n कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स है उसकी भी रॉज, जाहिर मैट्रिक्स है तो उसकी रॉज और कॉलम्स होंगे, तो उसके भी अगर m इंटू n है, तो आप देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर आने चाहिए। अब 2x2 अगर है तो आपके पास 2x2 में तो जाहिर है सेम ही वैल्यू होगी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा ही होगा आपस में। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे कि आपके पास यहां पर इस पार्ट में पहला मैट्रिक्स आपके पास 2 रॉज है और 3 कॉलम्स है, और इस वाले सेकंड मैट्रिक्स में ये जो आपके पास नंबर ऑफ रॉज हैं वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज बराबर आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अगर ये आपके पास बराबर नहीं आते, लेकिन अगर मेरे पास ये बराबर नहीं आते तो आपके पास ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मैट्रिक्स होता है 2x3 का और ये है 2x3 का, सेम है, तो ये आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहा। आप चाहें तो जिस तरह मल्टीप्लीकेशन अभी मैं सिखाने जा रहा हूं वैसे करके देख लें, तब भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वैल्यू आपके पास उधर एक के पास ज्यादा हो जाएंगी, दूसरे के पास कम हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करने का एक रूल है, वो सिंपल ये है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज, तो आप कहेंगे कि आपकी मल्टीप्लीकेशन अलाउ हो सकती है, आप कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका समझना है कि जब भी आपको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस वाले एलिमेंट से, तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आप लिखेंगे प्लस
और सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड आपके एलिमेंट ऑफ अ कॉलम, तो आपके पास सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस रो विल मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम, तो वन मल्टीप्लाई होगा थ्री से, तो आपने इस तरीके से लिखा। बीच में गैप है दोनों तरफ, तो आपने बीच में गैप रखा, फिर ये टू मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस टू से, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, प्लस साइन आएगा, और फिर ये वन मल्टीप्लाई होगा इस जीरो से, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो आपने लिखा। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। सिमिलरली आपके पास ये थ्री मल्टीप्लाई होगा पहले इस वन से, तो थ्री इंटू वन, फिर ये थ्री मल्टीप्लाई, ये टू मल्टीप्लाई होगा, थ्री तो नहीं, ये टू मल्टीप्लाई होगा इस थ्री से, तो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। सिमिलरली गैप आएगा बीच में, फिर ये थ्री मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस टू से, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, और ये टू मल्टीप्लाई होगा इस जीरो से, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो। ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब बहुत गंदा हो गया ऊपर वाला मैट्रिक्स, जाहिर है मैं दोबारा नहीं समझा सकता, लेकिन आपने ये करना नहीं है, आपने कोई इस तरह लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, दिमाग में सारी आपने ये लाइंस ड्रॉ करनी है। अब सिंप्लीफाई कर दें, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू वन थ्री, आपके इसी तरीके से ये भी आपका थ्री प्लस सिक्स, ये आपके पास फोर प्लस जीरो, और ये सिक्स प्लस जीरो। सिंप्लीफाई करें आपके पास फाइव नाइन फोर और सिक्स, ये जो एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स आया है, इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ए मल्टीप्लाई बी जो सवाल में पूछा था। अब इधर आ जाए सेकंड आपका बी पार्ट है, ये आपके पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। इधर भी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले टू मल्टीप्लाई होगा टू से, प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा जीरो से, इधर वही चीज लिखी हुई है। बीच में गैप देंगे, टू मल्टीप्लाई होगा जीरो से, प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा वन से। सिमिलरली आप यहां पर अब नीचे वाली रॉ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड रॉ के ऊपर आ गए, आपका ये वन मल्टीप्लाई होगा इस टू से, फिर प्लस साइन आएगा, वन मल्टीप्लाई होगा इस वन से, प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई होगा जीरो से। सिमिलरली ये वन मल्टीप्लाई होगा, गैप देंगे बीच में, फिर वन मल्टीप्लाई होगा जीरो से, प्लस जीरो मल्टीप्लाई होगा इस वन से, प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इस वन से, वो चीज वहां पर सारी लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज को अरेंज करते जाना है। अब सिंप्लीफाई कर लें, टू टू दा फोर प्लस थ्री प्लस जीरो, सिमिलरली यहाँ नीचे टू प्लस जीरो प्लस जीरो, इधर भी जीरो प्लस थ्री प्लस वन, और यहाँ पर जीरो प्लस जीरो माइनस वन, एंड में आपके पास सेवन टू फोर और माइनस वन, ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जो आज आपने सीखा। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 21 है, अभी आधा करवा दिया क्योंकि आगे जगह खत्म हो गई है। आपके पास यहाँ पर सवाल इस तरीके से गिवन है, ए बी और सी मैट्रिसेस गिवन है, कहा है कि इसको वेरीफाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के या नहीं आ रही। तो मेरे पास यहाँ पर तरीकेकार जो भी आपका सवाल प्रूफ करने का आता है, उसमें हेडिंग आप डालते हैं प्रूफ की, तो जिस तरह आप सोल्यूशन की हेडिंग डालते थे ब्लू मार्कर से, उसी तरीके से यहाँ पर ब्लू मार्कर से प्रूफ की हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन ब्लैक से करना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए मल्टीप्लाई और बी प्लस सी से, तो हमें ए बी और सी तो पता है, बी प्लस सी मैट्रिक्स नहीं पता। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, ऐड करेंगे बी एंड सी मैट्रिसेस को, तो बी प्लस सी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, बी और सी मैट्रिसेस आपको ये गिवन थे सवाल में, तो आपने ऐड किया टू प्लस नाइन टू प्लस जीरो, इस तरीके सेवन प्लस वन और फाइव प्लस फोर, एड हो गया, एक नया मैट्रिक्स आ गया बी प्लस सी मैट्रिक्स, जो कि इलेवन एट टू और नाइन इस तरीके से गिवन है। जब आपके पास बी प्लस सी आ गया, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए को और बी प्लस सी मैट्रिक्स को, तो आपका ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी मैट्रिक्स से, तो ए मैट्रिक्स सवाल में गिवन है इनटू बी मैट्रिक्स, ए बी प्लस सी मैट्रिक्स जो आपने भी निकाला। अब आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके दो हैं और इसके नंबर ऑफ रॉस भी दो हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तरीकेकार वही है, आप उधर भी साथ साथ देखते रहे, फाइव मल्टीप्लाई होगा इलेवन से, प्लस सेवन मल्टीप्लाई होगा एट से, फिर गैप देंगे फाइव मल्टीप्लाई होगा टू से, प्लस सेवन मल्टीप्लाई होगा नाइन से। सिमिलरली नीचे भी आपके पास, अब मैं इसको गंदा नहीं कर रहा, थ्री मल्टीप्लाई होगा इलेवन से, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई होगा एट से, फिर गैप आएगा थ्री मल्टीप्लाई होगा टू से और सिक्स मल्टीप्लाई होगा नाइन से, वो सारा उधर लिखा हुआ है। फोर मल्टीप्लाई होगा आपके पास पहले इलेवन, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एट, फिर गैप आएगा, फिर फोर मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय नाइन। यहाँ पर इस तरीके सारी वैल्यूज आपने अरेंज करके लिख दी। सॉल्व करें, आपके पास यहाँ पर 55 प्लस 56, नीचे आपके पास 33 प्लस 48, फिर आपके पास 44 प्लस 8, सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 10 प्लस 63,
आपके 6 + 54 और यहाँ पर 8 + 9 एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपकी ये जो ये वैल्यू है ए इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स, ये अगर आप सवाल देखें तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। और क्योंकि सवाल के शुरू में आपने कहा था कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ही उसकी जगह आप लिख दें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी। अब जब यहां पर वैल्यू आ गई 111, 81, 52, 73, 60 और 17, इसको इक्वेशन वन कह दें। अब इसके बाद आपने राइट हैंड साइड में क्या करना है वो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। राइट हैंड साइड में आपके पास कहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो पहले आप इस तरीके से लिखेंगे मल्टीप्लाई ए एंड बी, फिर वो निकालेंगे उसका प्रोडक्ट, फिर दूसरी एडिंग वाली मल्टीप्लाई ए एंड सी, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे एड ए मल्टीप्लाई बाय बी, जिस तरह यहां लिखा आप लिखेंगे एड ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज निकाली है ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आनी चाहिए, उसको आप इक्वेशन टू कह देंगे। बाय कंपेयरिंग करेंगे तो एंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों की लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 आधा हो गया था, ज़ाहिर है टाइम की कमी की वजह से अब यहाँ पर बाकी डिस्कस कर रहा हूँ। अब लास्ट क्लास में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व करवाई थी उसमें वैल्यू ये आपके पास आ रही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास जो सवाल गिवन है उसको आपने सॉल्व किया था तो उसका आंसर क्या आया था, जिसको आपने कहा ये इक्वेशन वन है। अब उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे आएंगे, दूसरा आप कहेंगे टेक राइट हैंड साइड, तो सबसे पहला आपके पास जो काम होगा मल्टीप्लाई करना है ए एंड बी, क्योंकि आपके पास राइट साइड पे ए इंटू बी है, फिर ए इंटू सी है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले आप ए एंड बी का मल्टीपल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स, तरीकेकार आपको पता है 5 × 2 से + 7 × 7 से। नीचे आएंगे तो आपके पास 3 × 2 से + 6 × 7 से, 4 × 2 से + 1 × 7 से, ये पहली कॉलम की मल्टीप्लीकेशन समझा दी। दूसरे कॉलम की भी इसी तरीके से 5 × 2 से, फिर 7 × 5 से और ऐड हो जाएंगे दोनों। सिमिलरली 3 × 2 से + 6 × 5 से और 4 × 2 से + 1 × 5 से, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। अब आपके पास ऑर्डर कोई भी हो, आपको मैंने समझाया हुआ है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज बराबर होने चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स के आपने ये चीजें चेक कर ली तो इसका मतलब अगर बराबर है आप मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 10 + 49, नीचे आपके पास 6 + 42 और सिमिलरली 8 + 7, इधर 10 + 35, 6 + 30 और 8 + 5, ये सिंपल आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। तो यहां पर ए इंटू बी 59, 48, 15, 45, 36 और 13, ये ए इंटू बी आ गया। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लाई ए एंड सी, क्योंकि आपका दूसरा पार्ट इसी राइट साइड का ए इंटू सी निकालना है, तो ए और सी मैट्रिसेस आपके गिवन है सवाल में, मल्टीप्लाई कर लें 5 × 9 से + 7 × 1 से, उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 3 × 9 से + 6 × 1 से, 4 × 9 से + 1 × 1 से, पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम भी ऐसे 5 × 0 + 7 × 4, 3 × 0 + 6 × 4, सिमिलरली 4 × 0 + 1 × 4, मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई करें 45 + 7, 27 + 6, आपके पास ये 36 + 1 और सिमिलरली ये सारे जीरो, ये आपके पास 28, 24 और 4। अब ये सिंप्लीफिकेशन सारी आपको अब तक इस लेवल पे आनी चाहिए। एडिशन कर लें जहां पर जो भी आपकी सिंप्लीफिकेशन है, आपके पास 52, 33, 37 और 28, 24 और 4, ये इंटू सी आ गया। अब आपको क्योंकि राइट साइड पे इन दोनों का एडिशन चाहिए तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एड ए इंटू बी एंड ए इंटू सी, मेरे पास ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, दोनों जो मैट्रिसेस आपने निकाले इन दोनों को ऐड कर दें। अब ये आपके पास क्योंकि राइट हैंड साइड है जो सवाल गिवन है उसका, ये एक्चुअली राइट हैंड साइड है ये वाली, तो आप इसकी जगह बार बार ये लिखने के डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिख दें, एक ही दफा ताकि वो आपके पास चलता रहे। और क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपको मैंने पीछे सिखाया है, 59 ऐड होगा 52 में, 48, 33 के साथ 15, 37 के साथ ऐड होगा, सिमिलरली 45, 28, 36 और 24, 13 और 4 आपस में ऐड होंगे। एडिशन कर लें, आपके पास आंसर 111, 81, 52, 73, 60 और 17, ये आंसर आएगा राइट हैंड साइड का। आप यहाँ पर इक्वेशन टू लिखेंगे, अब पीछे मैंने यहाँ पर करवाया है जगह कम है, यहाँ पर आप डिक्टेट करवा रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू,
तो उसके बाद आपके पास थोड़ा सा आंसर यहाँ पर मैं मिटा के चेंज कर रहा हूँ। तो जब आप इसको बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू की स्टेटमेंट देंगे तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखी वो जो उधर लिखी है मैंने, आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आपका दैट इज ए इंटू बी प्लस सी बराबर है ए इंटू बी, आप इसको ब्रैकेट बना लें, सवाल में नहीं है लेकिन कोई मसला नहीं, आप लिख लें प्लस ए इंटू सी, ये आपके पास, फिर आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड या प्रूफ, जो भी आपके सवाल में कहा था, तो अगर सवाल में कहा था वेरीफाई दैट तो आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, अगर कहा था प्रूफ करें तो हैंस प्रूफ। तो सवाल आपका एक दफा मैं देख भी लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा हुआ है कि वेरीफाई करें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, यहाँ तो मैंने प्रूफ लिखवा दिया है, इसको आप करेक्ट करके लिख लें वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 होगा, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास प्रूफ करने के लिए, आप उसी तरीके से जैसे ये किया है उन तमाम सवालों को भी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एंड में दोनों साइड्स को कंपेयर करवा देंगे और एंड में कहेंगे अगर वैल्यू बराबर आ रही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही, तो आप कहेंगे हैंस वेरीफाइड। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है मैट्रिसेस। इसमें आपने इससे पहले लेक्चर में जितने भी मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस थे वो सारे कर लिए, आज आप डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालना हो तो क्या आप करेंगे। 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने पिछली मैट्रिक क्लास में सीखा हुआ था, और अगर नहीं भी आपको याद या आप भूल गए तो ये 2x2 का डिटरमिनेंट हमने यहाँ पर सॉल्व करना ही है सवाल के अंदर, तो हम डायरेक्ट 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सवाल में कोई मैट्रिक्स गिवन हो जिसका ऑर्डर 3x3 हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा। अब जो भी डिटरमिनेंट आप निकालेंगे वो ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स का किताब में है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपको सिखाया गया, तो 3x3 मैट्रिक्स सवाल में गिवन है, मैं 46 करा रहा हूँ, इसके आगे के जितने भी सवाल है जिसमें डिटरमिनेंट से मालूम करने को कहे, मेथड एक ही है, मैट्रिक्स बदलता रहेगा, अंदर वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो आपके पास सवाल में कहा है कि अगर मेरे पास बी ये गिवन है तो मुझे बताएं कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, लिखना है इफ बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, यहाँ पर हेडिंग डाल के आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप यहाँ पर दो इस तरीके से मॉडुलस के सिंबल लगाते हैं, ये सिंबल आपका मॉडुलस का सिंबल होता है, ये पीछे कहीं आपको मैंने सिखाया होगा। तो बहरहाल जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है इस मॉडुलस के सिंबल में, साइन आप दो डंडे बीच में बड़े से बना देते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट था ये, जब इसमें आप ये कॉर्नर एजेस हटा देंगे, इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी डिटरमिनेंट की है, और इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। तो बहरहाल मैट्रिसेस के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो ये डिटरमिनेंट कहलाएगा। अब डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका यह है कि आप ये वाला अगर एलिमेंट लेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रॉ, तो यहाँ पर फर्स्ट रॉ के मुताबिक एलिमेंट्स लिए जाते हैं, कॉलम के हिसाब से भी निकाला जा सकता है लेकिन वो फिर एडवांस लेवल हो जाता है, आप लोगों को अभी क्योंकि स्टार्ट है बेसिक है, तो हम फर्स्ट रॉ के मुकाबले एलिमेंट्स अपने देखते हैं। तो पहला एलिमेंट जीरो अगर है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो पहला एलिमेंट जब भी आप लेंगे तो आपके पास ये जो पहला कॉलम और पहली रॉ ये आपके पास निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, इसको आप कंसीडर नहीं करते, जो बीच में आपकी वैल्यू बच गई यानी कि यहाँ पर 2, 2, 1 और 5 ये वैल्यू बच गई, तो आप जीरो के साथ इस स्क्वायर डिटरमिनेंट का साथ में एक छोटा सा डिटरमिनेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर जीरो आपने अगर लिया तो जीरो के नीचे जो कॉलम में वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज, और जीरो के साइड में जो रॉ में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी निगलेक्ट हो गई, जो पीछे आपके पास वैल्यू बची वो आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में जीरो के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। सिमिलरली अगर मैं 1 को लूंगा, जाहिर है मैंने 1 के साथ ही इसको ओपन करना है, तो इसका एक तरीका है, पहली वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन आता है, दूसरी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आता है, तीसरी वैल्यू के साथ फिर पॉजिटिव साइन आता है, तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो ये आपका बेसिक सा रूल है कि आपके पास पहला पॉजिटिव साइन होगा, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से इसके साथ पॉजिटिव साइन था, इसके साथ नेगेटिव साइन और इसके साथ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर 1 के हिसाब से देखना है तो 1 के हिसाब से पूरी रॉ और 1 के हिसाब से पूरा कॉलम ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा, पीछे क्या बचा 4, 6, 1 और 5, ये आप स्क्वायर डिटरमिनेंट बना के 4, 6, 1 और 5 की तरह लिख देंगे और साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा।
सिमिलरली आपके पास प्लस थ्री, क्योंकि मैंने कहा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस थ्री अब जगह खत्म हो गई थी तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया नेक्स्ट लाइन में, तो थ्री के साथ अब ये पूरा कॉलम और ये पूरी रॉ निगलेक्ट होगी, तो आपके पास फोर टू सिक्स और टू, फोर टू सिक्स और टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप लिख देंगे, साथ में थ्री मल्टीप्लाई होगा। जब भी आपके पास कोई भी थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा और उसका बोला जाए कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड प्रोसीजर ये है। इस स्टेप्स को, इस मेथड को, इन चंद रूल्स को आप याद कर लें। अब आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, उसका आपको बोला जाए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो आप बहुत ही आराम से उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए कहा था, आपने यहां तक कर लिया। अब इसके आगे सिंपल है, जीरो किसी भी डिटर्मिनेंट हो या वैल्यू हो मल्टीप्लाई होगा, एंड में आंसर जीरो ही आएगा। आप इसको डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर है मैंने आपको सॉल्व करना सिखाना है कि टू बाय टू मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे। तो उसका तरीका सिंपल सा है, आप टू को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से, फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से। तो आपने यहाँ पर टू को मल्टीप्लाई किया फाइव से, फिर माइनस वन मल्टीप्लाई टू, सिमिलरली माइनस वन अपनी जगह, टू यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई होगा फाइव से और वन मल्टीप्लाई होगा सिक्स से, तो आपके पास फोर इंटू फाइव माइनस वन इंटू सिक्स। सिमिलरली प्लस थ्री अपनी जगह, फोर मल्टीप्लाई होगा टू से और टू मल्टीप्लाई होगा सिक्स से, बीच में माइनस का साइन आएगा। ये टू बाय टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है। अगर सवाल में कहीं आपके पास आ जाता है कि टू बाय टू मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो वो तो दो स्टेप का है, सिंपल टू इधर वाली वैल्यू से, यानी कि अगर मैं इसको वन टू थ्री और फोर कहूँ तो वन इंटू फोर माइनस टू इंटू थर्ड वैल्यू। तो इस तरीके से आप टू बाय टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, जीरो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके जीरो ही करेगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट जीरो कर दिया। माइनस वन फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, वन इंटू सिक्स आपका सिक्स, बीच में माइनस वन, प्लस थ्री फोर इंटू एट माइनस टू इंटू सिक्स ट्वेल्व। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जीरो, अब आगे इसको मैं मेंशन नहीं करूंगा, माइनस वन इंटू फोर्टीन फोर्टीन होगा, थ्री इंटू माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, तो आ गया माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेल्व, एंड में आंसर माइनस ट्वेंटी सिक्स आ गया। ये फाइनल आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का निकलता है, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मेरे पास यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा, इट मीन्स कि मेरा जो मैट्रिक्स गिवन है वो नॉन सिंगुलर है। जब भी हमें आगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा देना है, जब भी हमारे पास ये कंडीशन आएगी, हम अपने मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट तो खैर निकाल लेंगे, मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, उसका एडजॉइंट वगैरह या उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है, तो वहां पर ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 किताब का है, लेकिन यहाँ पर मैं जाहिर किताब को फॉलो नहीं कर रहा, हम अब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने इससे पहले सीखा कि आपके अगर कोई भी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। अब नेक्स्ट टॉपिक आप सीख रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स कैसे निकालें, लेकिन इनवर्स निकालना आप सीख रहे हैं टू बाय टू मैट्रिक्स का। थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत लेंथी प्रोसीजर है, तो आप लोग इस साल इस आपकी क्लास में नहीं है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो जाहिर है आप अभी टू बाय टू का सीख रहे हैं। अब आपके सवाल में ए मैट्रिक्स कहा हुआ है कि ये गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो टू बाय टू ऑर्डर का, उसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि एडजॉइंट आप निकालते हैं मैट्रिक्स ए का और डिवाइड कर देते हैं उसको उसके अपने डिटर्मिनेंट से। तो आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट निकाल के आप आपस में डिवाइड कर दें, इनवर्स आ जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये दो चीजें आपको निकालनी है, तो उसके लिए आप प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे, आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है। फिर आप कहेंगे सिंस गिवन दैट ए आपके पास ये गिवन है, जो सवाल इटसेल्फ आपको गिवन है, अब फिर हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए की जगह कोई और सिंबल भी हो सकता है, बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है अगर कोई दूसरा सिंबल गिवन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आपने निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है आपने पीछे सीख लिया टू बाय टू का, सेवन इंटू टू माइनस फाइव इंटू फोर इस तरीके से आएगा। तो ये आपके पास फोर्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस सिक्स आंसर आ गया। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि यहाँ पर अगर जीरो आएगा तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो जब भी यहाँ पर जीरो वैल्यू आ रही होगी तो आप वहां पर सिंपल से एक जुमला तहरीर कर देंगे, लिख देंगे कि सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर,
क्योंकि मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो, तो सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपल, आपके पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वजह उसकी ये भी समझ लें, अगर इस जगह में जीरो कर दूं यानी जीरो से डिवाइड कर दूं तो कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होगा तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होगी, वो सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास जीरो के बराबर नहीं आ रहा, ये कंडीशन आपको चेक करनी है, कभी एग्जाम में आपके पास ऐसा कंडीशन आ भी सकती है कि जीरो के बराबर आ जाए। तो बहरहाल आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, अब नेक्स्ट आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी, तो इसका एडजॉइंट अगर मैं निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए कह रहा हूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका यह है कि आप ए और डी को आपस में जो इनकी पोजीशन है वो तब्दील कर देते हैं और जो बी और सी की वैल्यूज है उसके साथ माइनस साइन लगा देते हैं, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम आपने यहां पर भी किया, आपने कहा कि सिंस ए मैट्रिक्स आपको ए गिवन था, 7, 4, 5 और 2 ये वैल्यू थी, तो 7 और 2 की वैल्यू आपस में चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गया और 5 और 4 के साथ माइनस साइन लगा दिया। ये सिंपल सा मेथड है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपने इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया और इन दो वैल्यूज को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। आपके फॉर्मूले में यही दो चीजें चाहिए थी, एक डिटरमिनेंट और दूसरा एडजॉइंट की वैल्यू। तो आपने अब नेक्स्ट हेडिंग डाली इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि अब आपको एक्चुअल जो सवाल में कहा इनवर्स निकाले वो निकालना है, तो इनवर्स ऑफ ए की आपने हेडिंग डाली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हवाला देके ए इनवर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर माइनस साइन माइनस वन, और आपके पास इसका फॉर्मूला ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स डिटरमिनेंट। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट आप पीछे यहां पर निकाल चुके हैं। अब जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किसी डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स के साथ, डिटरमिनेंट तो नहीं, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो सेम फॉर्मूला सेम कंडीशन अप्लाइज फॉर डिवीजन, कि आपके पास अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो वो हर वैल्यू के साथ जाके डिवाइड होगी। तो यानी कि 2 के साथ भी डिवाइड होगा -6, -5 के साथ भी -6 डिवाइड होगा, -4 और -7 के साथ भी -6 डिवाइड होगा। अब जो आपस में एक ही टेबल में आते हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं तो -1/3, सिमिलरली ये माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो +5/6, -+ 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं तो 2/3 प्लस का, यहाँ पर आपका -7/6। तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। सवाल में यही कहा था कि फाइंड करें आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स निकालें, और आपने इस तरीके से निकाल लिया। इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसके आगे का पार्ट करवा रहा हूँ, ऑल्दो सवाल में नहीं गिवन। आपको अब नेक्स्ट पार्ट सीखना है कि अगर ये जो ए सवाल में गिवन था और जो इनवर्स आपने निकाला, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पीछे बताया था इसकी वैल्यू अगर 2/2 है तो 1001 होती है। तो वो अब हमने प्रूफ करना है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। अब यहाँ पर आपका इनवर्स और अगर जो सवाल में गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके प्रूफ करने को आता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें वेरीफाई करने को आया हुआ है, तो इटसेल्फ 60 क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है लेकिन आगे के क्वेश्चन में ये गिवन है। आपका उसी सवाल का अगला हिस्सा है, अगर सवाल में पूछा जाता है कि ये चीज वेरीफाई करके बताएं या शो करके बताएं, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद आप कहेंगे कि आपको ये चीज मालूम करनी है, तो अब इस चीज को मालूम करने के लिए आपको ए इंटू ए इनवर्स चाहिए पहले। तो आप हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए और उसका इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स, ए सवाल में ये गिवन था, ए इनवर्स आपने ये निकाल लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, 7 मल्टीप्लाई होगा पहले -1/3 से, +5 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, ये सारी पीछे डिटेल में हम सीख चुके हैं। सिमिलरली आगे 4 मल्टीप्लाई होगा -1/3, +2 मल्टीप्लाई होगा 2/3, फिर गैप है क्योंकि आप दूसरे कॉलम पे आ रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई होगा 5/6, +5 मल्टीप्लाई होगा -7/6, और 2 मल्टीप्लाई होगा, बल्कि 4 पहले मल्टीप्लाई होगा 5/6 और 2 मल्टीप्लाई होगा -7/6, बीच में प्लस साइन। अब 7 × -1 -7/3 वो लिख दिया, 5 × 2 10 10/3, यहां पर 4 × -1 -4/3, 2 × 2 4 4/3 प्लस साइन, 7 × 5/6 तो ये 35/6 प्लस माइनस माइनस, 5 × 7 35/6,
और यहाँ पर 4 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 × 5 = 10 डिवाइड बाय 3, वही आपने लिखा 10/3। सिमिलरली 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं 3 times, तो आपका -7/3, वो चीज आपने यहाँ लिख दी। अब इसके बाद आपको नजर आ रहे हैं -4/3 और +4/3, दोनों सेम वैल्यूज हैं, आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली 35/6 और -35/6 दोनों सेम है, ये भी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास -7/3 +10/3, डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू सेम है, एलसीएम लेंगे सेम वैल्यू आएगी, -7 + 10 होल डिवाइड बाय 3। सिमिलरली यहाँ पर 10 - 7 होल डिवाइड बाय 3, और ये वैल्यूज आपस में क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो गई तो पीछे 0 रह गया। 7 आपका -+10 तो 3/3, सिमिलरली 10 - 7 3/3, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, आपस में कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 इसकी जगह आएगा, तो 1001 ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शॉर्ट नोटेशन सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आपके पास A × its inverse बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यही आपको वेरीफाई करना था, यही प्रूफ करना था, तो आप एंड में कहेंगे हेंस प्रूव या वेरीफाइड, जो भी आपको दिल चाहे। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा क्वेश्चन है, जब भी सवाल आपके पास आएगा बोर्ड में तो जितने भी पास्ट के क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें आपको या तो बोला जाता है कि इससे पहले सिर्फ ए इनवर्स निकाल के बता दें, और अगर थोड़ा आपके पास ये लेंदी होगा तो नेक्स्ट आपको पार्ट ये भी निकालने को आएगा। तो इससे मिलते जुलते जितने भी सवाल आते हैं वो अब आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मैंने इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं रखी है, सिर्फ समझा रहा हूँ, रफली किया है। आपके पास यहाँ पर सवाल में गिवन है कि एक मैट्रिक्स ये गिवन है, ए वगैरह कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा मैट्रिक्स ये गिवन है, उसकी वैल्यू ये है, और ये मैट्रिक्स इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बताएं कि आपके पास एक्स की क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पर अननोन वैल्यू अननोन एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है। तो अब आपने जब भी इसको सॉल्व करना है इस तरह के सवालात को, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर अंडरलाइन ब्लैक से करना है, और फिर लेट करना है ए इज इक्वल टू जो गिवन मैट्रिक्स है, गहरे कोई ना कोई सिंबल कोई नाम तो देंगे, तो आपके पास ए नाम उसको दे दें, बी आप दे दें, जो भी आपका दिल चाहे वो दे दें। तो बहरहाल आपने ए लेट किया बराबर है इसके, फिर हेडिंग डाली यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिस तरह पीछे सवाल आपने करवाया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हेडिंग डालेंगे, फिर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट को आप स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ करते हैं मॉडुलस वाली, तो आपका डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही मैट्रिक्स उतारा नीचे, वह उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट थे वो खत्म करके मॉडुलस वाली लाइंस लगा दी। अब आपने यहाँ पर बताना है सिंस फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर सिंस के डॉट नहीं लगाए मैंने, सिंस फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है ये कंडीशन, जो उसका डिटर्मिनेंट है इट इज इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने हवाला दिया, कंडीशन बताई, इक्वल टू का ख्याल रखना है क्योंकि मैं ये रफ आपको करवा रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, इक्वल टू का आपने प्रेजेंटेशन ख्याल रखने, तो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, देयरफॉर ये वैल्यू क्योंकि डिटर्मिनेंट है एज इट इज इसकी जगह रिप्लेस कर दी, तो आपके पास इस चीज का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। अब जो आपके पास लेफ्ट साइड में एक्स मौजूद है, उस एक्स को सॉल्व करने के लिए आगे सारे स्टेप हैं, इसको ओपन करना आपको मैंने सिखाया हुआ है, कैसे ओपन करेंगे, 2 को अगर लेंगे तो आप पहली रॉ को ही लेते हैं ओपन करने के लिए, तो 2 को अगर लेंगे तो उसकी रॉ और 2 वाला कॉलम ये सारा आपका निगलेक्ट होगा, पीछे आपका 3x0 और -12 ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा और 2 बार मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 मल्टीप्लाई होगा, अब उसका कॉलम और उसकी रॉ निगलेक्ट कर दें, -2 - 8 0 और -12 वही चीज आपने यहाँ लिखी, +3 मल्टीप्लाई करें इसका पूरा रॉ और उसका पूरा कॉलम निगलेक्ट कर दें, -2 - 8 3 और x, ये आपके पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इधर लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर लें मजीद, इसको ओपन कर लें, 3 × -12 - 0 × x वही चीज आपने लिखी है, -2 × -12 - 0 × -8 यहाँ पर लिख दिया, इसको ओपन करेंगे तो -2 × x और -3 × -8 वही चीज यहाँ पर आपने लिख दी। अब आगे आप इसको ओपन कर लें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा -36, 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहता है, -2 × -12 + 24 -+ हो गया, 7 बार अपनी जगह मल्टीप्लाई माइनस के साथ, -0 अपनी जगह, और इसी तरीके से +3 मल्टीप्लाई हो रहा है -2x -+24, तो ये सारी वैल्यू बराबर थी 0 के। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें,
इसको आप -36 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आपके पास +24 एज इट इज, और इसको मैंने क्योंकि ये मजीद ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो बाहर 3 अंदर बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × -2x - 6x 3 × 24 72, तो आपके पास 2 × -36 ये भी 72 है, -7 × 24 168 माइनस का, -6x + 72 अपनी जगह ये 72, इस 72 के साथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू फिर डिफरेंट अपोजिट साइंस। यहाँ पर -168 को मैं दूसरी साइड पे अगर भेजूं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वहां पर माइनस है यहाँ आके प्लस हो गया, तो -6x बराबर है 168, यानी x बराबर होगा 168/-6, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 और 168 एक ही टेबल में आते हैं 28 टाइम्स, तो आपके पास -28 इज द फाइनल आंसर ऑफ योर x। सवाल में आपसे यही कहा था निकालने को, तो आपने इसी तरीके से इस मेथड से अपने फाइनल आंसर को निकाल लिया। चले हम अपने इस क्वेश्चन को देख लें, आपके पास यहाँ पर अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आपके पास एक नया टॉपिक आपको सिखाया जा रहा है, ऑल्दो ये मैट्रिक क्लास में आप सीख के आए हुए, लेकिन यहाँ पर आपकी रिविजन भी हो रही है। अब इसके बाद इसके पैरल एक और मेथड होता है जिसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, वो इसको करवाने के बाद सिखाऊंगा। यहाँ पर आपके पास जब भी दो इक्वेशंस गिवन है आपको उसको बाय यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व करना है। अब ये दो इक्वेशन वैसे अगर आपको बोले जाए सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने पीछे इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, लेकिन अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर मैट्रिसेस है वो इटसेल्फ इक्वेशन सॉल्यूशन टेक्निक ही है, तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको बाय यूजिंग मैट्रिसेस सीखना है, तो उसके लिए एक क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल के मुताबिक जब भी आपको दो इक्वेशन इस तरह से गिवन होंगी और आपसे बोला जाए एक्स और वाई की वैल्यू बताएं, तो आपको सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले तो आपको प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, फिर आपके जो सवाल गिवन है उसको एज इट इज उतारना है, लेकिन यहाँ पर एज इट इज मैं नहीं उतार रहा, यहाँ पर जो सवाल में -2 और +8 कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन है इनको हम शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड जीरो की जगह, तो आपके पास ये -2 इधर आके +2 और ये +8 इधर आके -8 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब इसके बाद आप कंपेयर करवाएंगे जर्नल इक्वेशन से, तो आप स्टेटमेंट भी वही देंगे बाय कंपेयरिंग विद जर्नल इक्वेशंस। जर्नल इक्वेशंस क्या है? आपके पास पहली इक्वेशन को आप a1x + b1y = c1 ये कह रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन a2x + b2y = c2, जहां पर a और b कोफिशिएंट्स हैं, c आपका कांस्टेंट है। तो जो ऊपर इक्वेशन यहां गिवन है ऊपर आपकी जो भी दोनों इक्वेशंस हैं दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट इसके मुताबिक आप कहेंगे कि हेयर a1 5 है, a2 2 है, सिमिलरली b1 2, b2 आपका 3 और c1 2 है और c2 आपका -8। यहां पर इसी तरीके से आपने सपोज बल्कि तो आपने कंपेयर करवाया तो कंपेयर करवा के वैल्यूज आ गए। अब इसके बाद जब आपके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आ गए वैल्यूज, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। अब डिटरमिनेंट निकालना है कोफिशिएंट्स का, यहां पर आपको कोई भी नाम नहीं दिया हुआ कि उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने डी से कर दिया, अब तक ए या बी या सी से करते आ रहे थे, अब डी से करवा दिया, आपकी मर्जी, आप इसको ए लेट कर लें। तो आप यहाँ पर जो भी नाम जो भी सिंबल यूज करेंगे वही आपको थ्रू आउट सवाल में लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इस सवाल में डी लिखा है, तो ये लाजमी नहीं है, आपके पास डी इसका डिटरमिनेंट बराबर होगा, क्योंकि कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट निकालना है, कोफिशिएंट्स आपकी इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 है, तो आपका डिटरमिनेंट भी किसका आएगा a1 a2 b1 और b2 का। तो जब आपने यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू सिमिलरली b1 और b2 की वैल्यू वहां से देख के लिख दी, और इसको आप जाहिर है ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे 5 × 3 - 2 × 2, तो आ गया 15 - 4, दैट इज डिटरमिनेंट आ गया ऑफ कोफिशिएंट्स 11। जब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स आ गया, अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको डिटरमिनेंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने का तरीका ये होता है कि यहां पर जो आपकी इक्वेशन थी जहां पर आपके एक्स के कोफिशिएंट है उसकी जगह आप कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट कर देंगे, तो जहां पर मेरे पास एक्स के कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट a1 a2 थे, a1 a2 की जगह आप c1 c2 पुट कर देंगे और b1 b2 अपनी जगह जैसे ऊपर था, तो c1 और c2 की वैल्यू आपने पुट कर दी 2 और -8, b1 और b2 अपनी जगह 2 और 3, सिंप्लीफाई कर लें 2 × 3 - 2 × -8, तो आ गया 6 + क्योंकि माइनस माइनस प्लस 16,
सॉल्व करने पर आपके पास डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया 22। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, दूसरा डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थर्ड आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए क्या करेंगे, वही तरीका जहां पर आपके पास वाई के कोफिशिएंट्स थे, वाई के कोफिशिएंट आपके बी वन और बी टू हैं, तो जहां पर बी वन और बी टू लिखा था वहां पर आप सी वन और सी टू पुट कर देंगे। तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब एक्स के कोफिशिएंट अपनी जगह, वाई के कोफिशिएंट की जगह कॉन्स्टेंट के आप वैल्यू पुट कर देंगे सी वन और सी टू। तो ए वन ए टू आपके पास फाइव और टू थे, सी वन और सी टू आपने यहाँ पुट किया टू और माइनस एट, सोल्व कर लें फाइव इंटू माइनस एट माइनस टू इंटू टू, तो ये आपका माइनस फोर्टी और ये आपका माइनस फोर, यानी कि डिटर्मिनेंट आपके पास तीसरा आ गया माइनस फोर्टी फोर। तो आपके पास ये तीन डिटर्मिनेंट आ गए। अब ये क्यों काम किया, क्योंकि क्रैमर्स रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू आप स्टेटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल के मुताबिक अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपने एडिंग डालनी है फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट जो आपने निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट या डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट को। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 22 डिवाइड बाय 11, ये पीछे आपने निकाला है सारा काम। तो 22 और 11 एक ही टेबल में आते हैं, आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया फॉर एक्स। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है फॉर वैल्यू ऑफ वाई। अब आपने वाई निकालनी हुई, इक्वेशन में दो ही अननोन है एक्स और वाई, तो आपने y के लिए सेम फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। तो मेरे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y वैल्यूज की माइनस 44 है और डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट पीछे आपने यहाँ पर 11 निकाल लिया, तो ये दोनों भी एक ही टेबल में आते हैं, कैंसिल आउट होकर y का आंसर माइनस 4 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर x और y सवाल में कहा था कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर आप कहेंगे देखो सोल्यूशन सेट x, y इस तरीके से रिप्रेजेंट करके 2, -4 में लिखेंगे, क्योंकि पहले जो इक्वेशन आपने सॉल्व किए हैं चैप्टर के अंदर, तो पिछले चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन आपने किए हैं उसके अंदर भी सोल्यूशन सेट आप ऐसी बनाते थे, और यहाँ पर भी आपसे सवाल में कहा है कि आपने सॉल्व करके इक्वेशन को बताना है बाय क्रैमर्स मेथड। बस पहले और यहाँ पर फर्क क्या आ गया, पहले आपके पास इक्वेशन सोल्यूशन टेक्निक कुछ और थी, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन सोल्यूशन टेक्निक डिफरेंट है बाय यूजिंग मैट्रिसेस और उसके लिए भी स्पेसिफिकली क्रैमर्स रूल। तो ये सिंपल सा आपका क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड था जो कि आपके इस सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक ही सवाल के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यही सेम क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से करवाया है, अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं मैट्रिक्स मेथड से करवा रहा हूँ। मैट्रिक्स मेथड है क्या उसको आप समझते हैं, आपने उसी तरीके से सोल्यूशन की ब्लू मार्कर सेटिंग डाली, फिर आपकी जो इक्वेशन थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जितने भी कॉन्स्टेंट थे उसको राइट साइड पे भेज दिया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो स्टेटमेंट आपने दी कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, आपने पहले मैट्रिक्स बनाने कोफिशिएंट्स का, तो 5, 2, 2 और 3 कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया, फिर आपने अपना एक्स और वाई का मैट्रिक्स एक बनाने, तो आपके पास ये दो मैट्रिक्स आ गए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ऊपर वाली ही फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, आपके पास 2 और -8, यानी दो इक्वेशंस को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, दो इक्वल टू साइन को एक इक्वल टू के साइन यानी एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाता है कन्वर्ट करना फ्रॉम योर इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अगर तीन होती तो आपके पास एक और तीसरी लाइन बढ़ जाती, तीन इक्वेशंस अगर आती मेरे पास तो एक और तीसरी लाइन बढ़ जाती, तीसरा आपके पास यहाँ पर रॉ इजाफी हो जाता। तो आपके पास ये इक्वेशन वन इसको कहेंगे, या आपने कन्वर्ट कर दिया योर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको इक्वेशन वन कह दें। अब लेट करेंगे ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है कोफिशिएंट का, इसको ए कह दें, ये आपके पास जो वेरिएबल है इसको एक्स कह दें, और आपके पास जो इक्वल टू के बाद कॉन्स्टेंट है इसको बी कह दें। यहाँ पर क्योंकि आपको फिक्स करना है, अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आपको फॉर्मूला दोबारा से हर बार नया याद करना पड़ेगा या खुद से बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो आपने ए बी और एक्स इक्वेशन वन के मुताबिक लेट कर लिया, तो देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स बराबर है बी के, तो ए इंटू एक्स बराबर है बी के इस फॉर्म में लिख दी। अब ए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है
उसी तरह बेस के मैं डिवाइड करूंगा, x बराबर हो जाएगा b अपॉन a, और कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाने तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो a की पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पावर वन होगी, ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर माइनस वन हो जाएगी। a की पावर माइनस वन इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू, तो a की पावर माइनस वन इज इनवर्स ऑफ a, तो x बराबर है इनवर्स ऑफ a इंटू बी, पहले हम इनवर्स ऑफ a लिख रहे हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स को आप इनवर्स कर रहे हैं, तो इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय इट्स डिटरमिनेंट, तो आप उस फॉर्मूले के मुताबिक देयरफॉर x बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय इट्स डिटरमिनेंट इनटू b, ये आपकी नई इक्वेशन आ गई, इसको आपने इक्वेशन टू कह दिया। अब यहाँ पर इक्वेशन टू तक हर सवाल में करना है, और एक्चुअल काम इसके बाद अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर एडजॉइंट भी नहीं पता, आपको डिटरमिनेंट भी नहीं पता, a तो पता है लेकिन आपको एडजॉइंट और उसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट फाइंड करने की, तो पहले आप लिखेंगे फॉर डिटरमिनेंट ऑफ a, a फाइंड करना है, a तो आपके पास है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म लिखना आनी चाहिए कि आप दो मॉडुलस के सिंबल अप्लाई करते हैं, तो आपके पास 5, 2, 2 और 3 ये मैट्रिक्स ए था, डिटरमिनेंट फॉर्म आपने लिखनी है 5 × 3 − 2 × 2, सॉल्व करने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए 11 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट अब आप हेडिंग डालेंगे, आपने डिटरमिनेंट निकाल दिया तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आप कहेंगे सिंस ए मैट्रिक्स आपका ये गिवन है, वो पीछे से आपने रेफरेंस दिया, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स क्या होगा, आपको पता है एडजॉइंट के लिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5 आ जाएगा, और इन दोनों की जगह माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो −2 और −2, ये आपके पास एडजॉइंट निकालने का तरीका पीछे हमने सीखा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें तो स्टेटमेंट देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन टू, देयरफॉर इक्वेशन टू इंप्लाइज दैट आपके पास x बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला वो पुट कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकाला उसको यहाँ पर पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय बी वहां पर अपनी जगह था उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके पास दो तरीके लिखने के, या तो आप एक न्यूमरेटर में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक बड़ा सा डिनोमिनेटर ड्रॉ करके डिवाइड बाय 11 करें, या इस 11 को सिंपल कहें कि 1/11 मल्टीप्लाई हो रहा है इन ब्रैकेट इन मैट्रिसेस से, तो मैंने 1/11 पीछे करके लिख दिया और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस −2 मल्टीप्लाई होगा −8 से, तो नीचे रॉ पे आएंगे −2 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा −8 से, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में पीछे सिखा चुका हूं। अब आपके पास −1/11 अपनी जगह है और यहां पर ये आपस में मल्टीप्लाई करें 6 − −+ + 16 और ये −4 और −40, तो 22 और ये −44, तो कोई भी वैल्यू आपके बाहर मल्टीप्लाई होगी वो अंदर सबसे जाके मल्टीप्लाई होगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें या कहें कि इस मैट्रिक्स है ये 11 डिवाइड हो रहा है तब भी 11 ने डिवाइड ही होना है, तो 1/11 × 22 यानी 22/11, सिमिलरली −44/11 वैल्यू आई, ये एक ही टेबल में आते हैं कैंसिल आउट करते हैं ये 2 times और ये 4 times, तो आपके पास 2 और −4 ये वैल्यूज आ गई मैट्रिक्स के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि जहां पर x मौजूद है वो जगह दूसरी तरफ वहां पर 2 मौजूद है, यानी कि x बराबर होगा 2 के, जहां पर y मौजूद है दूसरी जगह पर −4 मौजूद है यानी कि y बराबर होगा −4 के, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका क्या होगा x, y = 2, −4। अब अगर आप रिजेंबल करें तो जो आपका पीछे क्रैमर्स रूल पड़ा सेम इक्वेशन थी, सब कुछ सेम था, आंसर भी सेम आ रहा है। अब मैट्रिक्स मेथड डिफरेंट हो गया लेकिन आंसर अब भी सेम आ रहा है सेम क्वेश्चन का, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना मेथड कौन सा सॉल्व करते हैं, किस मेथड को लेके काम कर रहे हैं, आंसर एट द एंड सेम आना चाहिए अगर आपके पास मेथड दोनों करेक्ट है। तो यहां पर ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का और ये आपका मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिए हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को जिनमें कंफ्यूजन है जिसमें डिफिकल्टी है आपने वो बताया, तो एक ही सवाल आप लोगों ने बताया तो उसी को सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके हैंडआउट में 6th क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा है इफ ए बी एंड सी आर गिवन मैट्रिसेस, आपसे कहा है आगे के फाइंड करें वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जब ये कंडीशन हो जो यहाँ पर गिवन है x मल्टीप्लाई हो रहा है a से प्लस y मल्टीप्लाई हो रहा है b से और ये एडिशन आपके पास बराबर है c के,
तो आपको ए बी और सी पहले से गिवन है, आपको ये कंडीशन दे दी। अब इस कंडीशन के मुताबिक एक्स और वाई बताने क्या होगा, तो आपको तरीके का आता है, सवाल पहले उतारेंगे, फिर सॉल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, उसके बाद से मैं आपको काम करा दूं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने कहा सिंस गिवन दैट ये कंडीशन है एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी बराबर है सी के, दैट इज ए आपके पास और बी और सी मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिसेस उनके अपने अपने लिख दें, तो ए की जगह उसका मैट्रिक्स, बी की जगह उसका और सी की जगह अपना उसका मैट्रिक्स। अब आपने पढ़ा है कि जो भी वैल्यू बाहर मल्टीप्लाई होगी वो अंदर मैट्रिक्स के जाके सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। अगर एक्स मेरे पास बाहर लिखा हुआ है तो अंदर जब भेजेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबके पास जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास एक्स मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो 4x, 5x, 2x, 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा। सिमिलरली वाई मल्टीप्लाई होगा 6y, 1y, 1 आप मेंशन नहीं करते एज अ कोफिशिएंट, 3y और 0.2y, और ये तो आपका अपनी जगह चलता आ रहा है। अब आपको इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको बताया कि जो जिस पोजीशन पे है वो उसी के साथ ऐड होगा, तो 4x जहां पर है वहां पर 6y है, तो सेम पोजीशन वो आपस में ऐड होंगी। 5y और यहां पर 5x और y, ये दोनों सेम पोजीशन पे, तो 5x प्लस y। सिमिलरली 2x और 3y आपस में ऐड होंगे, और x प्लस 0.2y ये आपस में ऐड होंगे, और आपका राइट साइड पे ही चलता आ रहा है। अब आपने कहा कि ये जो पूरा मैट्रिक्स गिवन है ये बराबर है इस मैट्रिक्स के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो मतलब ये कि आपके पास जो यहां पर एलिमेंट है वो बराबर होगा इस एलिमेंट के। तो आप उसी तरीके से कहेंगे हेयर 4x प्लस 6y बराबर है 22 के, सिमिलरली 5x प्लस y बराबर है 21 के। तीसरी इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y बराबर है 11 के, x प्लस 0.2y बराबर है 4.2 के। अब यहां पर चार इक्वेशन आ गई, लेकिन मुझे दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो अननोन वैल्यूज हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। जब आपको x और y दो अननोन वेरिएबल्स दे दिए और कहा कि x और y दो ये वैल्यूज, इनकी वैल्यूज निकाल के बताएं, तो उन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तीन अगर होंगी या चार होंगी तो वो दो के बाद जितनी भी इक्वेशंस है उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, अगर मेरे पास यहाँ पर चार हैं या 10 होती मुझे दो से ही काम। मैं इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन वन अगर गौर से देखें, अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय टू कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और सिमिलरली अगर इस वाली इक्वेशन को होल डिवाइड बाय फाइव कर दूं तो ये नीचे वाली इक्वेशन दे देगा। तो मेरे पास डिवाइड करने पर ये वाली इक्वेशन आ रही है, और ये वाली इक्वेशन को दूसरे डिवाइड करूंगा तो ये वाली इक्वेशन आ रही है। तो मतलब ये कि आपके पास ये दोनों इक्वेशन आपस में आइडेंटिकल है, ये वाली इसके आइडेंटिकल है और ये वाली इसके आइडेंटिकल है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू ले लूं तो एक्स और वाई हमेशा जीरो आएंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। तो आप कह रहे हैं कि आप अपने घर से निकले और आपके अब्बू भी आपके घर से ही निकले, तो दोनों के घर का पता तो सेम ही होगा ना, एड्रेस तो सेम ही होगा। तो उसी तरीके से अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन का मल्टीपल है तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन है तो सेम ही, सिर्फ क्या किया इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये दो इक्वेशन डिफरेंट है, एक ये आपके पास देखने का तरीका होगा, दूसरा ये होता है कि आपके पास ये एलिमेंट जो आपका फर्स्ट ड्रॉ है ये आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू ले लें। अमूमन हम सेकंड ड्रॉ को नहीं लेते, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं, यहां पर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके पास ये इक्वेशन वन इस इक्वेशन के बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू से तो ऊपर वाली आ जाएगी। तो आपने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू सिलेक्ट कर ली। अब आपने पीछे चैप्टर में इक्वेशन सोल्यूशन सीखा हुआ है, आपको पता है कि अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन तो एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई की है, आपको मैंने एलिमिनेशन से क्या है, आपका दिल चाहता है आप एलिमिनेशन से कर लें। तो बहरहाल आपने यहाँ पर कहा फ्रॉम इक्वेशन टू मैं इक्वेशन थ्री बना रहा हूँ, दैट इज वाई इज इक्वल टू 21 माइनस 5x, या आपकी इक्वेशन थ्री आ गई। पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन, जो आपकी इक्वेशन वन यहाँ पर ये गिवन है, आप इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास 4x प्लस 6y की जगह अब आपके पास 21 माइनस 5x और ये बराबर है 22 के। इसको सिंप्लीफाई करें, 6 इंटू 21 126, 6 इंटू 5x तो माइनस के साथ 30x। सॉल्व करें, 126 माइनस 26x, जाहिर है ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बराबर है 22 के। ये माइनस साइन उधर भेजें, ये आपके पास 22 लेफ्ट साइड पे लेके आए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 126 माइनस 22 बराबर है प्लस 26 टाइम्स एक्स,
तो ये आपके पास 104 हो गया, 104 यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 26 और 104 एक ही टेबल में आते हैं 4 टाइम्स, तो x आपके पास बराबर हो गया 4 के, तो x का आंसर आ गया। अब आपको x के अलावा y भी चाहिए था, तो आपने इसी x की वैल्यू को पुट कर दिया इन इक्वेशन 3 जो ऊपर आपने बनाई थी, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास y इक्वल टू 21 माइनस 5 एक्स, एक्स की जगह 4 पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें 21 माइनस 20 यानी कि y इज इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया x कॉमा y 4,1। और सवाल में ये कहा था कि x और y की वैल्यू बताएं, तो आपने यहाँ पर x और y का आंसर निकाल के बता दिया। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 85 किताब का डिस्कस कर रहा हूँ, 2002 का सवाल है, इसमें आपको ये इक्वेशन गिवन है जिसमें x माइनस 7 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मैंने पहले ही x इज इक्वल टू 7 कर दिया, तो ये सोल्यूशन के बाद से मैं काम करवा रहा हूँ, मैं बहुत सारे स्टेप भी मिस करूंगा, जाहिर ही होमवर्क डिस्कशन हो रही है, तो आपने घर पे इस पे सारे स्टेप जितने भी थे वो पूरे किए होंगे, जहां पर मिस्टेक है वो आप अपनी करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने कंपेयर करवाना है जो जर्नल इक्वेशन है, तो जर्नल इक्वेशन में आपके पास a1 4 है, a2 x का कोफिशियंट 1 है, सिमिलरली b1 आपके पास -7, अब b2 y का कोफिशियंट, y अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशियंट 0 होगा, 0 के साथ अगर y को मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर 0 ही आएगा, तो आपके पास जब भी y नहीं होगा यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आएगी, अगर x नहीं है तो उसका कोफिशियंट 0 है, अगर y नहीं है तो उसका कोफिशियंट 0 है। सिमिलरली c1 और c2 आपके पास 14 और 7 ये आपके पास कोफिशियंट्स आ गए। अब इसके बाद आपने यहाँ पर इसको a1 a2 वगैरह ये सब निकाल लिया, तो आपने हेडिंग डालनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है सबसे पहले कोफिशियंट्स का, तो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, अगर मैं मॉडुलस लगा दूं तो इसका मतलब मैं मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, और अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा सिर्फ हिस्सा लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है। पहले जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने डी मैट्रिक्स लिया था और साइड में मॉडुलस लगा दिया, तो कहा था कि डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, लेकिन अगर सिर्फ डी लिखूंगा मॉडुलस ही लगाऊंगा इट इज अंडरस्टूड कि मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ। ये दो कॉन्सेप्ट सीख लें, तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि मॉडुलस लगा होगा तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट है ऑफ दैट मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स यहाँ पर जैसे कि मेंशन ही नहीं है ए बी सी क्या है तो आप डायरेक्ट डी लिख दें, इट इज अंडरस्टूड के यहाँ पर मैं बात हुई डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कौन सा कोफिशियंट का, जाहिर आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट आपके पास a1 a2 और b1 b2 ये है, वैल्यूज आप पुट कर दें a1 4 और a2 1, सिमिलरली -7 और 0, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 4 × 0 -7 × 1, तो आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर ये 0 + 7 दैट इज डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 7। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट आया है, नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपने इसके बाद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अब नई रिप्रेजेंटेशन डी एक्स, अगर यहाँ पर मैं मॉडुलस साइन लगा दूं तो इसका मतलब कि मैं डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ मैट्रिक्स डी, डी पहले से डिफाइंड होगा, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ जो भी नाम है मैट्रिक्स का, तो आपका डी यहाँ पर अगर मॉडुलस के बगैर लिखा है तो इट मींस कि डिटर्मिनेंट है, एक्स यहाँ लगा दी सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या था, जो एक्स के कोफिशियंट है उसकी जगह c1 और c2 आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था c1 c2 और यहाँ पर b1 और b2, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, c1 आपके पास 14, c2 आपका 7, b1 -7 और b2 आपके पास 0 है, सॉल्व कर लें आपके पास 14 × 0 -7 × 7, तो आपके पास यहाँ पर 0 -7 + 7 × 7 = 49, तो 49 आंसर आ गया डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी वाई आप निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जहां पर वाई के कोफिशियंट्स हैं वहां पर c1 और c2 पुट कर दें, कॉन्स्टेंट पुट कर दें, तो आपके पास a1 और a2 4 और 1 है, c1 आपका 14, c2 आपके पास 7, सिंप्लीफाई कर लें आगे 14 बल्कि 4 × 7 और -14 × 1 ये आपका होगा 28 -14 दैट इज इक्वल टू 14, ये आ गया डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y।
अब आपको निकालना है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो हेडिंग आप अलग से डालेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट या डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। तो यहां पर आपके पास डी एक्स 49 है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट 7 है, एक्स की वैल्यू आ गई 7, वो आपके ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, अगर आप अपने गौर से देखें तो एक्स इक्वल टू 7 ऑलरेडी गिवन थी, आपने बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ये वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का आपका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इटसेल्फ ऑफ कोफिशिएंट, ये आपका आंसर 14 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 ये आपका आंसर आ गया। एंड में आप यहाँ पर सोल्यूशन सेट एक्स कॉमा वाई लिख देंगे। तो सिंपली इस तरीके से आपके पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पिछला चैप्टर हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था, जाहिर है मैंने सवाल आपको डिस्कस नहीं करवाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व किया, वो एक पैटर्न एक ही मेथड से हो रहे थे। तो पिछला जो चैप्टर मैट्रिसेस का हमने सीखा उसके अंदर मेथड आपको सिखा दिया गया, तो अब सवाल कोई भी आ जाए तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस अब हल करने के काबिल हैं। असाइनमेंट भी आपको इसलिए दिया कि आपके पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उनको सॉल्व करने के काबिल हो, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सके। तो वहां पर आपका चैप्टर बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है, आपका चैप्टर नंबर 7 था वो अब कंप्लीट हो जाता है।